कि लिवरपूल समेत दूसरे हिस्सों को भी अपनी चपेट में ले लिया। तूफान की वजह से वहां लोग बिजली के संकट का सामना करने को मजबूर हो गए और इसके असर से न तो सड़क से लोगों का आना जाना मुश्किल कर दिया, क्योंकि खतरनाक तूफान कैथलीन की वजह से समंदर की लहरों ने कोहराम मचा दिया। आइल ऑफ मैन की राजधानी डगलस से आई तस्वीरों में ऊंची लहरें सड़क को ढकती नजर आई। इस बीच वहां से गुजर रही कई गाड़ियां तो दिखाई नहीं दी, ऐसा लगा मानो वो गाड़ियां तिनकों की तरह समंदर में बह जाएंगी। यानी समंदर से उठ रही लहरों की आवाज ने कैथलीन तूफान के ताकतवर होने की पुष्टि कर दी। वहां लहरों के साथ हवा की तेज रफ्तार ने लोगों को डरा कर रख दिया, जबकि डगलस के अलावा इंग्लैंड के शहर लिवरपूल से सामने आए वीडियो में भी हर तरफ खौफनाक मंजर नजर आया। वहां चक्रवाती तूफान कैथलीन ने जबरदस्त कहर बरपाया, ऐसा लगा जैसे लहरें सब कुछ तोड़कर शहर को समंदर में समा देंगी। उस वीडियो में एक आदमी खतरनाक तूफान से बचने के लिए दौड़कर वहां से सुरक्षित जगहों की तरफ जाता दिखाई दिया। यानी हर तरफ तूफान का कब्जा नजर आया। इसलिए भयंकर तूफान कैथलीन की वजह से ब्रिटेन में रेल और हवाई सफर पर असर देखने को मिला। बताया गया कि वहां 100 से ज्यादा उड़ानों को रद्द करना पड़ा, जिससे दूसरे देशों की यात्रा करने वाले लोग काफी दिक्कतों का सामना करने को मजबूर हो गए, क्योंकि भयंकर तूफान की वजह से विमानों का लैंड करना भी मुश्किल हो गया। एयरपोर्ट से सामने आए वीडियो में तो एक विमान बिल्कुल रनवे को छूता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वो लैंड नहीं कर पाया। इसलिए खतरे को देखते हुए वहां 100 से ज्यादा उड़ानों को रद्द कर दिया गया। ब्रिटेन में इंग्लैंड के अलावा आयरलैंड, स्कॉटलैंड और दूसरे हिस्सों में कई देशों के लोग फंस गए। वहां कैथलीन तूफान की वजह से हवाई सफर के साथ रेल और समंदर में जहाजों से यात्रा करने वाले लोग भी परेशान हो गए। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि समंदर से उठने वाली लहरें तट के किनारे बसे शहरों और वहां मकानों तक पहुंच सकती हैं और इससे भारी नुकसान की आशंका जताई गई। इधर महाराष्ट्र के पालघर में भयंकर हादसे को देखकर सड़क के किनारे खड़े लोगों की रूह कांप उठी। वहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक साथ चार गाड़ियों को बुरी तरह टक्कर मार दी। इसके बाद तो एक दूसरा ट्रक, एक कार और दो मोटरसाइकिलें आपस में भिड़ गईं, क्योंकि बेकाबू हुए उस ट्रक ने एक झटके में बीच सड़क पर कई गाड़ियों को भीषण टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि उसके सामने से गुजर रहे मोटरसाइकिल सवार का नामोनिशान ही मिट गया। ऐसा लगा मानो वो हवा के तेज झोंके की तरह वहां आया और किसी तिनके की तरह उस मोटरसाइकिल सवार को उड़ा दिया, जबकि वो कार तो सामने खड़े दूसरे ट्रक में जा घुसी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद। बंगाल में एनआईए